सामने आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पूरी दुनिया में इस वक्त नजरें भारत पर है। विपक्ष एकजुट होकर अडानी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, सरकार चुप बैठी है, लेकिन वही आरएसएस अडानी के साम्राज्य के बिखरने से बेचैन दिख रहा है। पहले आरएसएस एफिलिएट स्वदेशी जागरण मंच यानी एसजेएम के अश्विनी महाजन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मैनिपुलेटेड बताया था। अब संघ के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने अपने आर्टिकल में अडानी का समर्थन करते हुए एंटी इंडिया माने जाने वाले बिलियनेयर जॉर्ज सोरोस को भी बीच में घसीट लिया है, जिन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की बर्बादी के लिए आज तक याद किया जाता है। साथ ही इस आर्टिकल में और भी चीजें लिखी गई। कहा गया ये पूरा खेल 24 जनवरी से नहीं बल्कि 2016-17 में ही शुरू हो गया था। इसमें एक एनजीओ की वेबसाइट पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि लेफ्ट आइडियोलॉजी की लॉबी ने अडानी को लेकर जानबूझकर नेगेटिव कहानी बनाई। इस रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया गया है, आइए आपको बताते हैं। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में पब्लिश एक आर्टिकल में कहा गया है कि अडानी ग्रुप पर हमला वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया था और उन्हें नष्ट कर दिया था। लेख में कहा गया है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने गौतम अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी बनाई। इस लॉबी में लेफ्ट विचारधारा से जुड़ी देश की कुछ मशहूर प्रोपोगेंडा वेबसाइटें और एक दिग्गज लेफ्ट नेता की पत्रकार पत्नी भी शामिल है। ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में दावा किया है कि अडानी ग्रुप पर यह हमला असल में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को शुरू नहीं हुआ था बल्कि 2016-17 में ही इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। अडानी को बदनाम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक एनजीओ ने वेबसाइट शुरू की थी। इको फ्रेंडली एनजीओ बॉब ब्राउन फाउंडेशन अडानी वॉच डॉट ओआरजी नाम से एक वेबसाइट चलाता है। अडानी समूह पर हमला ऑस्ट्रेलिया में अडानी की कोयला खनन परियोजना के विरोध के साथ शुरू हुआ। ये सारी बातें लेख में लिखी हुई है। लेख में कहा गया है कि बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब ये वेबसाइट अडानी से जुड़े किसी भी काम या परियोजना के बारे में दूर से लेख पब्लिश करती है। लेख में कहा गया है कि इस वेबसाइट के प्रचार लेख भारतीय राजनीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि में भी दखल अंदाजी करते हैं। बॉब ब्राउन फाउंडेशन के ट्विटर अकाउंट को देखेंगे तो पाएंगे भी कि अडानी और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर यहाँ हर एक अपडेट मिलेगी। वही ऑर्गेनाइजर ने यह भी सवाल किया कि आखिरकार इसका असली मकसद क्या है। बीबीएफ विपक्ष को लेकर नरम हो जाता है, वे कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्टों को निशाना नहीं बनाते। ऑर्गेनाइजर ने आगे लिखा, अडानी ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया में 2010 में कार माइकल कोयला खदान के लिए एक प्रोजेक्ट मिला। 2017 में 350.org एनजीओ के नेतृत्व में कुछ और एनजीओ अडानी का विरोध करना शुरू करते हैं। एनजीओ 350.org को टाइड्स फाउंडेशन की ओर से भारी भरकम फंड मिलता है। इस एनजीओ ने अपने दानदाताओं का खुलासा नहीं किया है, हालांकि उसने सैन फ्रांसिस्को के टाइड्स फाउंडेशन से फंड लेने की बात स्वीकार की, जहां जॉर्ज सोरोस और टॉम स्टेयर जैसे अरबपति बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ने पैसे भी लगाए हैं। टाइड्स फाउंडेशन को फंड देने वालों में सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडियार और बिल गेट्स के नाम भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर दानदाता लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले गैर सरकारी संगठनों को फंड देते हैं। ऑर्गेनाइजर ने आगे लिखा, एक भारतीय एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया NFI को भी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडियार, बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी से फंड मिला। अजीम प्रेमजी के नेतृत्व में एनजीओ IPSMF यानी इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जो लेफ्ट विचारधारा से जुड़े भारत की कुछ खास प्रोपेगेंडा वेबसाइटों को फंड देता है। ये सारी बातें ऑर्गेनाइजर के इस लेख में शामिल है। बता दें, यहाँ पर जिन जॉर्ज सोरोस का जिक्र हो रहा है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। वैसे तो ये खुद को इन्वेस्टर और समाज सेवी बताते हैं। मार्च 2021 में इनकी निजी संपत्ति 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया भर में विध्वंसकारी गतिविधियां इसी संस्था की आड़ में चलती है। साल 1992 में ये पहली बार चर्चाओं में आया था जब उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर अचानक बेचने शुरू कर दिए थे, जिससे बैंक की हालत खराब हो गई। जॉर्ज सोरोस एक पूंजीपति है, लेकिन वो दुनिया के वाम पंथियों को बहुत प्रिय है, राष्ट्रवादी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं। माना जाता है जॉर्ज सोरोस का सबसे ताजा शिकार डोनाल्ड ट्रंप थे। कहा जाता है कि ट्रंप को पब्लिक के सामने संघीय तानाशाह का टाइटल दिलवाने का श्रेय इन्हें भी जाता है।
जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने सीए और एनआरसी को लेकर भी काफी विवादित बयान दिया था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में करोड़ों रुपए का निवेश अलग अलग रास्तों से किया है। इन पैसों की सहायता से ढेरों सामाजिक संस्थाएं यानी एनजीओ खड़े किए गए। तब भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पर्यावरण, मानवाधिकार, महिला स्वतंत्रता जैसे मुद्दों के आड़ में बने इन एनजीओ से लेफ्ट विचारधारा वाले सरकारी अफसरों, जजों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और पत्रकारों को जोड़ा गया। अब इनकी फौज तैयार बैठी है। आरएसएस की तरफ से फिलहाल यही बात हाईलाइट की गई है, जो अपने आप में एक बड़ा दावा है और एक बड़ा आरोप है। फिलहाल बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग के संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिटीशन दायर की गई है। याचिका में वकील मनोहर लाल शर्मा ने एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताते हुए उसके खिलाफ निर्दोष निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग की है। शर्मा ने कृत्रिम रूप से अडानी के शेयरों को क्रैश करवाने का आरोप भी लगाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।